मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। आज आपके लिए मैं घर की बनी हुई दही फुल्कियाँ बनाऊंगी। फुल्कियाँ भी मैं घर पे ही तैयार करूंगी। इस रेसिपी के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आए मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसन मैंने एक कप लिया है और बेसन के अंदर मैं ये ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून है और इसमें मिर्च भी 1 टीस्पून है। ये सब इसमें मिक्स करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा दही में जाने के लिए जो जो स्पाइसेस चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, ज़ीरा इसमें 1 टीस्पून है, चाट मसाला मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, एक अदद सब्ज़ मिर्च लेके उसकी बारीक कटिंग कर ली है, धनिया मैंने 1/2 गड्डी लिया है, आलू बॉयल लिए हैं, एक अदद आलू बॉयल करके उसको कटिंग कर लिया, 1 कप के बराबर ये चने हैं इनको मैंने बॉयल किया हुआ है, दही 1/2 किलो है, टमाटर 1 अदद बड़े साइज़ का बारीक कटिंग कर ली हुई है और 1 मीडियम प्याज की कटिंग की हुई है। चलें सबसे पहले हम फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बेसन में हम नमक डाल देते हैं, साथ ही इसमें सुरख मिर्च और साबुत ज़ीरा इसमें डाल के मैं इसको अच्छी से मिक्स कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें पानी शामिल करेंगे। ये पकौड़ों से ज़रा गाढ़ा बैटर रखते हैं, बिल्कुल पकौड़ों की तरह इसको नरम नहीं करना, थोड़ा सा उसे गाढ़ा रखना है। ये देखें इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बेसन रेडी है, अब मैं इसकी फुल्कियाँ तैयार कर लेती हूँ। ऑयल चेक कर लेते हैं कि गर्म है। ये देखें इस तरह नीचे गिरते ही फुल्की अगर ऊपर आ जाती है तो समझे आपका ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें फुल्कियाँ तैयार कर लेती हूँ। इस तरह का एक सुराखों वाला चम्मच ले लें, इस तरह बेसन डालते जाएं। ये देखें इस तरह ये कितनी अच्छी फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी। इसमें तेज़ तेज़ चम्मच चलाते जाएं, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना बस लाइट सा कलर रखना है। ये रेडी है, मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह सारी फुल्कियाँ हम तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स देखें ये फुल्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इस तरह की फुल्कियाँ बनाकर आप एक दफ़ा में बनाकर काफ़ी सारी भी रख सकते हैं तो ये काफ़ी दिन चल जाती हैं फ्रिज में रख के। अब मैं इनको पानी में डिप कर दूंगी। इसको हम पानी में डिप करके एक साइड पे रख देते हैं। उतनी देर में मैं दही में सब चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ। सबसे पहले दही ऐड करें इसमें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें तमाम स्पाइसेस डाल दें, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, चाट मसाला, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। इस टाइम पे आप स्पाइसेस चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दही हमारा काफ़ी थिक है, मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें दूध मिक्स कर लिया। अब इसमें प्याज डाल दें, टमाटर, आलू जो हमने बॉयल किए हुए हैं वो मिक्स करें, चने 1 कप के बराबर बॉयल किए हुए हैं, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें ये मैं घर की बनी ही फुल्कियाँ शामिल कर दूंगी। पानी अच्छी से इसका निचोड़ लें, तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें। दही फुल्कियाँ तैयार हैं, अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर दें। प्यार घर की बनी हुई दही फुल्कियाँ तैयार हैं, ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती हैं। आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रमज़ान में इसको ट्राई करें, खाएँ और दुआएँ दें। और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने और बेल आइकॉन क्लिक करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिले।
दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।